फूलों की रानी मैं बनी री, मुझे कहीं ना मिले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपनी जिठानी के घर पर, जो कि मेरी जिठानी के बेटे की है शादी। तो वहाँ पर आज है हल्दी की रस्म, तो वहीं पर मैं जा रही हूँ। और हल्दी की रस्म में तो आज हम सब येल्लो कपड़े पहनेंगे, तो मैंने भी पीली साड़ी पहन ली है और बहुत जल्दबाजी में साड़ी पहनी है। बहुत ही जल्दबाजी में घर के काम किए हैं, क्योंकि जो मेरी जिठानी का घर है वो मेरे घर से थोड़ी दूर है, तो यहाँ से जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बच्चे भी स्कूल गए हैं और घर का काम भी किया है, क्योंकि सिस्टर जो आती वो भी नहीं है घर पर, सारा काम ही किया है। और उधर भी जाना है, तो मेरी भाग दौड़ हो रही है, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं वहाँ के लिए निकल रही हूँ। और वहाँ पर क्या क्या रस्म होती हैं जैसी भी हैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैं मिलूँगी आपसे वहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, जो रस्में होती हैं वो हो गई हैं शुरू, जो शादी की रस्में हैं। और हल्दी लगने से पहले, जैसे कि कल हल्दी लगेगी, तो उससे एक दिन पहले इवनिंग में हल्दी को पहले छुआ जाता है, और मतलब कि सभी को जो जो हल्दी लगाती हैं उनको धागे वगैरह बांधे जाते हैं। वही यह रस्म हो रही है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बड़ी जिठानी है वो सबके यहाँ पर मतलब धागे बांध रही हैं, और सभी यहाँ पर हल्दी को छुएंगी, और जो भी होता है यहाँ पर वो हो रहा है, तो ये देख सकते हैं। और हमारे यहाँ के रिवाज इस तरीक़े से हैं, आपके रिवाज कैसे हैं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपने अपने यहाँ के रिवाज अलग अलग होते हैं। और जिन जिन के धागे बन जाएंगे वही हल्दी लगाएंगी मॉर्निंग में, तो बस वही तैयारी हो रही है, वही यहाँ पर रस्म हो रही है। और पैर छू ले, तो घर बात हमारे काम। हेलो गाइस, जो इधर देख ले, तो बंद होना फिर ना, तुमका कुत्ते मुंह तो रात को जो तुम ढाओगे सवेरे को ना, तो फिल्म पैसे जो के अंदर ए ए कोमल ए तो बंद हुआ तुम पे आ रहा है अब तेरा सी पंडित, तो तुम्हें तो बताओगी बताना था आगे बात है उल्टे बदमाश सीधे ना ये पंडित क्यों ना आवे अभी तो हमारे पंडित यही है। अरे कनकुंगली से ऐसा पकड़ लो, अब तीन हो गए, दो लगा ना मिले तीरे किसी के ना मिले नाम सगे नहीं गए सबके। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इस तरीक़ा से यहाँ पर हल्दी को छुआ जाता है। और यहाँ पर यह है परात में चावल, और यहाँ पर जिस दिन के भी धागे बंधे हुए हैं वो या तो लड़की हो जिनकी शादी हो रही है, या फिर लड़का हो, उनके हाथ पकड़ के वो इस तरह से यहाँ पर टिकली टाइप में हल्दी लगाती हैं। और जितनी भी बुजुर्ग होती हैं वो अपने जो उनके देवता होते हैं जो पूछते हैं उनका नाम लेती हैं, और समझाती रहती हैं कि इस तरीक़ा से करो कि जो भी कार्य है हमारे घर का अच्छे से हो। तो यह वही यहाँ पर रस्म हो रही है, सब नाम लिए जा रहे हैं जो भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, जिन जिनको पूजा जाता है, तो इस तरीक़ा से। और एक दूसरे के हाथ में ऐसे हाथ लेके यहाँ पर जो चावल थे इस परात में वो दूसरे बर्तन में रखते हैं, सभी ऐसे ही पांच पांच या सात सात बार इस तरीक़ा से, और यही चावल मॉर्निंग में बनेंगे। और फिर हल्दी लगेगी, और हल्दी लगने के साथ जो भी पूजने का जो भी सामान होता है वह बनेगा, और यहाँ पर यही वाले चावल बनने हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं,
तो यहाँ पर मैं भी यह करा रही हूँ क्योंकि सभी को करना है जिनके धागे बंधे हैं और हमारे भी धागे बंधे थे। तो यहाँ पर ये सभी को करना होता है, ये परात में से इस तरीक़ा से मतलब सभी को लाने होते हैं टोटली जितने भी यहाँ पर ये चावल होते हैं। तो हमारे यहाँ की रिवाज कैसी हैं, आपके जैसी हैं या फिर अलग हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं शादी के, पूरी शादी हो चुकी है और ब्लॉग मेरे अभी स्टार्ट हुए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली और जितना हो सका मेरे से मैं उतनी वीडियो बना पाई हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहें मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को एंजॉय करें। ब्लॉग कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये भी हजरी है नैना दर्द बढ़ने का रहे हैं ये। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज है हमारे घर में हल्दी का फंक्शन और हल्दी की जो फंक्शन है उसकी तैयारियां ऊपर चल रही हैं और यहां पर ये सारी बिटिया रानी खड़ी हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि येलो ही पहने, तो सबने मतलब कॉम्बिनेशन में सभी ने थोड़ा थोड़ा येलो पहना है क्योंकि हल्दी फंक्शन में येलो ही आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो हमने कोशिश की है कि येलो पहने और अभी कुछ और भी पहन कर आने वाले हैं और कुछ लोगों ने पहन रखा है जो कि ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर न्यू है तब भी चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पर बैठी है हमारी ये बुआ जी, जो हमारी बुआ जी हैं और यहाँ पर यह बन रहे हैं मतलब कि पूड़े जो कि हल्दी लगेगी। तो यह वाले पूड़े जो हल्दी लगाने वाली आती हैं उनको भी बांटे जाते हैं और घर में भी खाए जाते हैं और पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं इस तरीक़ा से। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि बन रहे हैं पूड़े, कढ़ी बन रही है खाने के लिए। तो आपके यहाँ भी कढ़ी बनती है जब हल्दी लगती है? हमारे यहाँ तो कढ़ी ज़रूर बनती है। और यहाँ पर ये देवरानी और यहाँ पर जो गोदी में बैठी है मेरी जिठानी के बेटे की मतलब कि बेटी यानी कि हमारी पोती है और यहाँ पर हम सब हो रहे हैं रेडी। तो सब ने मांग टीका लगाया है क्योंकि सभी का मन था कि काफ़ी अच्छे से यह प्रोग्राम रखें, लेकिन जितना हो सका उतना किया है। तो यहाँ पर ये मेरी जिठानी की बिटिया हैं, पीछे आप देख रहे हैं, और मैं हूँ, साथ में देवरानी है छोटी वाली। तो यहाँ पर सभी वीडियो में आए हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश थी सारी कि हम इस तरीक़ा से ये करेंगे, लेकिन जितना हो पाया उतना किया है और सभी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से अब होने हो रही है तैयारी हल्दी की। तो यहाँ पर सभी इंजॉय करते हैं। मुझे कहीं ना मिले।